गश्त के अभाव में चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात चोरों की टोलियां दुकानों और मकानों में धावा बोल रही है। पाटन बाईपास पर स्थित KGN एस्केप नामक दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की गई। दुकान का बिजली का तार भी काट दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान संचालक मिर्जा नाजीम बेग नामक व्यक्ति विजय नगर थाने पहुंचा और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसका कहना है कि चोरी की वारदात बढ़ रही है, पुलिस को रात्रि गश्त तेज करने की जरूरत है, नहीं तो चोर चोरी के साथ साथ हत्या जैसी वारदातों को भी अंजाम दे सकते हैं। क्या घटना घटी हो रहा है? कल रात में मेरे ऑफिस है पाटन बाईपास से नागपुर रोड में, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे में आया है कि कोई बंदा आया है हथौड़ा लेकर, जिसने मेरे ऑफिस की बिजली काटने की कोशिश की और एक ताला भी तोड़ दिया उसने। किसी वजह से वो दूसरा ताला नहीं तोड़ पाया और भाग गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ छोटा फुटकर काम है मेरा, लोहे स्क्रैप वगैरह खरीदी का, शायद उसी की चोरी के लिए वो आया था। मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि वहाँ पर गश्त चालू की जाए और मेरी FIR मैंने दर्ज कराया हूँ, सीसीटीवी फुटेज की वीडियो दिया हूँ, उस पर कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई की जाए। कहाँ की घटना है ये? पाटन बाईपास से अपने नागपुर रोड की घटना है। सीसीटीवी कैमरे में क्या देखा आपने? एक बंदा आया हुआ हथौड़ा लिया हुआ है और कुछ और भी औजार है उसके पास। रात के समय करीब 3:10 की बात हुई है, जो मैंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की वीडियो भी उपलब्ध करा दी। तो वहाँ पे क्या है, चोरों के ऐसे कुछ है कि गिरोह चल रहा है, कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल, वहाँ पर रात में पुलिस को गश्त करना चाहिए। जो असामाजिक तत्व वहाँ घूम रहे हैं, ये लूट भी कर सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, चोरियाँ भी, जैसे कि मेरे ही साथ हो रहा है, चोरी भी कल कोशिश की गई है। इस पर उचित कार्रवाई प्रशासन द्वारा करना चाहिए। मिर्जा नाजिम बेग, KGN स्क्रैप। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से शिवात्री की रिपोर्ट।